अच्छा जी, CDP आज जो है हमने CDP को डिस्कस करना है। CDP क्या होता है, CDP क्यों यूज़ किया जाता है। CDP होता है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। अच्छा, CDP सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल जो है वो हम जब हम एक नेटवर्क बनाते हैं या हम देखते हैं कि हमारे नेटवर्क में एक राउटर लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, उसके साथ जो है वो हमने और जो है अगर राउटर कनेक्ट करने हों, स्विच कनेक्ट करने हों, तो हमें ये नहीं पता क्या होता है कि अगर हमारे नेटवर्क में एक राउटर लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, उसके साथ और क्या कुछ लगा हुआ है, तो वो देखने के लिए या वो जानने के लिए जो है वो हम CDP यूज़ करते हैं। ये देखने के लिए कि हमारा जो नेटवर्क है उसमें कौन कौन से लगे हुए हैं, तो हम CDP यूज़ करते हैं। CDP क्या होता है, ये एक सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल होता है। ये सिस्को प्रोप्राइटरी है क्योंकि जारी आता है इसमें CDP सिस्को डिस्कवरी आ रहा है, तो ये सिस्को का है। ये सिर्फ सिस्को के ही राउटर पे चलता है, इसके अलावा और किसी भी वेंडर के जो स्विच हो उन पे ये नहीं चलता। इट इज़ यूज टू फाइंड द इंफॉर्मेशन ऑफ द नेबर। ये यूज़ किया जाता है कि हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे नेबर्स में अगर राउटर लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, तो किस मॉडल का लगा हुआ है, उसकी कितनी पोर्ट है, उसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, तो वो जो है वो डिस्कवर जानने के लिए जो है वो हम CDP यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक जो ओपन स्टैंडर्ड है, एक होता है LDP। LLDP ये होता है लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये एक ओपन स्टैंडर्ड है, ये हर किस्म के वेंडर के स्विच पे जो है वो यूज़ हो जाता है। तो इसका क्या तरीकाकार है, कैसे कन्फिग्रेशन करनी है, तो ये जो है वो मैंने एक पैकेट रेसर जो है वो ऑन कर लिया हुआ है। इसमें जो है वो हम स्विच जो है वो लगाते हैं। प्रैक्टिकल के लिए जो है वो हम दो तीन जो है वो स्विच लगा लेते हैं। स्विच लगा लेते हैं, एक जो है वो हम PCB लगा लेते हैं, और स्विच भी कन्फिगर लगे ले लेते हैं। एक इस मॉडल का जो है वो हम स्विच ले लेते हैं, लेकिन स्विच की जो है वो कन्फिग्रेशन जो है वो करने के लिए हमें इसका थोड़ा और तरीकाकार होता है। अच्छा, तो ये हमने सारी चीज़ें ले ली हुई हैं नेटवर्क में। अब हम जो है इसको कनेक्ट कर लेते हैं आपस में। अच्छा, एक बोर्ड के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये जैसे भी है हम बस इनको कनेक्ट करते हैं आपस में। डिफरेंट पोर्ट्स भी लगानी पड़े तो कोई इशू नहीं है, बस इनको एक कनेक्ट करना है। अच्छा, ये जो है वो हमने कुछ जो है वो जोड़ी हुई है। अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो है वो इस वजह से नहीं, इसके लिए हमें ये वाला जो है वो यूज़ करना है। डिफरेंट को जोड़ने के लिए हम ये केबल यूज़ करते हैं। अच्छा, तो ये जो है वो हमने एक नेटवर्क बनाया है। एक हमारा स्विच है जिसके अंदर हमने दो स्विच लगाए हुए हैं, एक PC लगा हुआ है, एक जो है राउटर को हम रहने देते हैं, क्योंकि राउटर को अगर करना है तो उसके लिए जो है वो हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो राउटर अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, राउटर जब स्टार्ट करेंगे तो फिर हम राउटर पर देखेंगे। अच्छा, ये हमने दो स्विच लगा लिए हैं, तीन स्विच है हमारे नेटवर्क में और एक PC जो है हमने लगाया हुआ है। अब जो है वो हमने CDP देखना है, तो हम इस स्विच पर जाएंगे, इसकी कन्फिग्रेशन पर जाएंगे। अच्छा जी, CLI मोड में इसका इनेबल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैग्नीफायर जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं जूम के लिए। अच्छा, इनेबल में जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे शो CDP। ये हमने CDP देख लिया, ये हमें CDP इंफॉर्मेशन बता रहा है। अच्छा, ये जो है CDP का पैकेट जो होता है, हर 60 सेकंड के बाद जो है वो पैकेट जो है वो इंफॉर्मेशन का सेंड किया जाता है कि कोई नया नेटवर्क में कोई स्विच ऐड हुआ है या नहीं हुआ, तो वो उसके लिए जो है वो ए इंफॉर्मेशन पैकेट सेंड किया जाता है। इसके अलावा होल्ड टाइम वैल्यू जो होती है वो होती है 180 सेकंड। 180 सेकंड जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो अपने पास सेव रखता है। 180 सेकंड इंफॉर्मेशन सेव रखने के बाद वो दोबारा 60 सेकंड जो है वो एक पैकेट सेंड करते हैं कि वो देखते हैं कि कोई चेंजिंग्स तो नहीं हुई नेटवर्क में, और अगर वो जैसी कोई चेंजिंग्स वगैरह हुई होती हैं तो वो आपस में जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। शो CDP जो है वो हम नेबर्स चेक करते हैं, तो ये देखें, ये हमें CDP नेबर्स बता रहा है कि आप देख सकते हैं कि एक जो है वो हमारे स्विच लगा हुआ है, पोर्ट 01 जो है वो हमारी पोर्ट है, होल्ड टाइम 163 है, यानी कि 163 जो है वो उसके अप हुए, कैपेबिलिटी उसकी SR है। S का मतलब है स्विच, यानी कि ये जो उसने बताई है इंफॉर्मेशन, ये जो है ये हमारे एंड की है,
ये स्विच है 01 पोर्ट के साथ कनेक्ट है, होल्ड टाइम 163 है। ये जो है वो हमारा डेस्टिनेशन है। ये जो है वो हमारे साथ एक एस मतलब के स्विच लगा हुआ है, 2950 उसका मॉडल है, और उसकी किस पोर्ट के साथ हम कनेक्ट हैं वो 08 है। इसी तरह एक और स्विच लगा हुआ है, वो हमारी पोर्ट जो है वो 07 है, 170 होल्ड टाइम है, और दूसरे एंड पे जो है वो स्विच ही लगा हुआ है और 2950 उसका मॉडल है, और जो है वो उसकी पोर्ट 17 के साथ जो है वो हम कनेक्ट हैं। ये जो है वो नेबर्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये जो है वो हम यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रबल शूटिंग जब हम यूज़ करते हैं, जब हम रियल इन्वायरमेंट में हम वर्क करते हैं, तो ये जो है वो हम CDP जो है वो इनेबल नहीं रखते। ये बाई डिफॉल्ट इनेबल ही होता है, लेकिन हम जो है उसको ऑफ कर देते हैं, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी होता है कि इस तरह अगर कोई अपना कोई और बंदा जो है वो अपने हमारे नेटवर्क में इंटर होता है, हमारे नेटवर्क में स्विच लगा लेता है, तो इस तरह वो हमारे राउटर्स वगैरह की जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो इसके लिए जो रियल एनवायरनमेंट होता है उसके लिए जो है वो हम CDP जो है वो इनेबल नहीं रखते, इसको जो है वो हम ऑफ कर देते हैं। तो CDP को जो है वो करने के लिए एक और हम यहाँ पे CDP कमांड कर लेते हैं। एक तो हमने CDP देखी, एक हमने देखी CDP जो है वो नेबर्स, एक हम देखते हैं शो CDP डिटेल्स। शो CDP की कितनी कमांड है, इंटरफेस कौन से इंटरफेस पे देखना है, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शो CDP इंटरफेस, हर इंटरफेस की जो है वो CDP हम जहाँ से देखना चाहते हैं। तो ये देखें, ये फास्ट इंटरनेट 09 डाउन आ रही है, लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन, सेंडिंग CDP पैकेट एवरी 60 सेकेंड, यानी कि हर 60 सेकेंड के बाद ये CDP अपना सेंड करते हैं कि हमारे जो दूसरा एंड है उस पर कुछ कनेक्ट है, या उस पर अगर कनेक्ट है तो वो आपस में इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज करते हैं। तो हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके CDP को जो है वो, अगर तो हमने CDP को ओवरऑल डाउन करना हो, यानी कि पूरी जितनी पोर्ट्स लगी हुई है हर एक पे अगर हम CDP को हमने ऑफ करना हो, तो उसके लिए कमांड है नो CDP रन। अब हमने किया नो CDP रन, इसका मतलब है कि CDP जो है वो डिसेबल हो गया, अब CDP जो है वो नहीं चल रहा। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं शो CDP नेबर्स, अब हम देखते हैं, ये देखें उसने, हमने नेबर्स की कमांड चलाई तो उसने बता दिया है कि CDP इज नॉट इनेबल्ड, CDP जो है वो इनेबल नहीं है, और अब हमें वो किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं लेकर देगा। अच्छा, इस पे तो हमने ऑफ कर दिया, तो हम दूसरे पे जाते हैं कि तो क्या वहां से हमें मिल रही है कोई कमांड या नहीं। यहाँ पे हम चेक करते हैं शो CDP नेबर्स, तो इस पे जो है वो हमने देखा है, तो वो यहाँ पे हमें बता रहा है कि मेरी पोर्ट 08 है, होल्ड टाइम 112 है, और मेरे दूसरे एंड पे जो लगा हुआ है वो एक स्विच है, और वो 01 पोर्ट के साथ कनेक्ट है 2950 मॉडल का, यानी कि एक पे तो हमने डिसेबल कर दिया है, इस पे तो हमने डिसेबल किया हुआ है कि यार CDP ना हो, लेकिन इस पे CDP इनेबल है, इसने इन्फॉर्मेशन इसकी दे दी है, लेकिन ये वाला हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे नेटवर्क में जितने भी स्विच लगे हों, जितने भी राउटर लगे हों, उन सब पे जो है CDP इनेबल नहीं होना चाहिए, ताकि अगर कोई हमारे नेटवर्क में आता भी है, सिक्योरिटी पर्पज़ का भी एक मेन इशू होता है, अगर कोई भी हमारे नेटवर्क में आता है तो वो एटलीस्ट हमारे किसी भी स्विच को अगर पकड़ता है या राउटर को पकड़ता है, तो उसे हमारे किसी भी स्विच की नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जो है वो लीक नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्विच वन में दोबारा वापस आता हूँ, जहाँ पे जो है वो हमने ऑफ किया हुआ था। ये देखें, अगर CDP को ऑफ करना हो तो हम लिखते हैं नो CDP रन, तो अगर हमने इसको जो है वो इनेबल करना हो तो हम लिखेंगे CDP रन। अब हम दोबारा चेक करते हैं शो CDP नेबर्स करेंगे, तो अब ये जो है वो हमें दोबारा इंफॉर्मेशन दे रहा है CDP नेबर्स की। तो दोबारा कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। अच्छा, अगर तो हमने ग्लोबली CDP को रन ऑफ करना हो, तो अभी हमने देखा कि हम लिखते हैं नो CDP रन, वो ओवरऑल पूरे स्विच से जो है वो CDP बंद हो जाता है। अगर हमने ये देखना हो, अच्छा इसके लिए मैं दोबारा कमांड चलाता हूँ शो CDP नेबर। अच्छा, ये अभी जो है वो
हम इस स्विच पे आते हैं और इस स्विच से देखते हैं शो सुरू नेबर, ये जो है वो हमें एक बता रहा है, एक तो नहीं से बताना चाहिए, चल तो ये सही है। अच्छा इस पे जाते हैं, ये हमें क्या बता रहा है, शो सुरू की नेबर, ठीक है। अब हम जो है वो दूसरे पे जाते हैं, इस पे आते हैं, ये हमें क्या बताता है, इस पे देखते हैं, ये बताता है नेबर नेबर, ठीक है। इस पे जो है वो ये हमें बता रहा है, इस पे आते हैं, शो सीडी भी नेबर्स। अच्छा ये देखें, ये हमें जो बता रहा है इसके साथ दो स्विच कनेक्ट है, एक जो है वो 01 के साथ कनेक्ट है पोर्ट, और एक जो है वो 07 पोर्ट के साथ कनेक्ट है, दो स्विच हमारे इसके साथ कनेक्ट है। अगर हमने ओवरऑल जब हमने बंद करना हो सीडीपी के, तो हम लिखते हैं नो सीडीपी रन, वो पूरे स्विच से जो है वो खत्म हो जाता है, वो हमें कोई भी नेबर की जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता। और अगर हमने उसको इनेबल करना हो तो हम लिखते हैं सीडीपी रन। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एक स्पेसिफिक इंटरफेस पे जो है वो सीडीपी बंद हो, सिर्फ उस इंटरफेस पे कोई भी चीज कनेक्ट हो उसकी इंफॉर्मेशन ना आए। अब जैसे यहाँ पे आया कि इसके साथ हमने दो कनेक्ट किए हुए हैं, कि एक 01 पोर्ट के साथ है, एक 07। हम चाहते हैं कि जो 07 वाली इंटरफेस है ना, इस सिर्फ इस इंटरफेस पे सीडीपी जो है वो डिसेबल हो जाए। तो जब हम इस इंटरफेस पे सीडीपी को बंद करेंगे तो वो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं देगा, इस इंटरफेस के साथ जो कनेक्ट होगा उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, लेकिन ये 07 वाला जो है इसकी जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन देगा। तो हम कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाते हैं, स्पेसिफिक इंटरफेस पे सीडीपी को बंद करने के लिए जो है वो हम कमांड जो है वो यूज करते हैं, वो हम करते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। हम उस इंटरफेस पे जाएंगे और उस इंटरफेस पे लिखेंगे नो सीडीपी इनेबल। अच्छा जी, सीडीपी जो है वो इनेबल था, हमने नो इनेबल कर दिया, इसका मतलब सीडीपी जो है वो डिसेबल हो गया। अब हम दोबारा चेक करते हैं, शो करेंगे सीडीपी इंटरफेस देखते हैं। अच्छा ये देखें, 01 का जो है इंटरफेस वो हमें नहीं बता रहा, वो 02 से शुरू कर रहा है, क्योंकि हमने 01 का जो है वो डिसेबल कर दिया, तो वो जो है वो 02 से शुरू कर रहा है। अच्छा तो इसके अलावा अब हम चेक कर लेते हैं, शो सीडीपी नेबर्स करेंगे। अच्छा अभी जो है वो उसने उसको, क्योंकि वो भी 180 सेकंड का होल्ड टाइम जो है वो ले रहा है, तो जैसे ही वो टाइम पीरियड पूरा होगा तो उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ये एंट्री जो है वो उसके ख़त्म हो जाएगी। शो सीडीपी जो है वो हम देखते हैं, ठीक है, ये 180 जो है वो होल्ड टाइम उसका आ रहा है और हर 60 सेकंड के बाद जो है वो सेंड करता है। हम करेंगे शो सीडीपी नेबर दोबारा करते हैं, तो अभी जो है उसने जो है वो एंट्री डिलीट नहीं की, तो ये थोड़ा सा टाइम जो है 160 सेकंड का टाइम पीरियड अपना पूरा करेगा, तो वो तो उस टाइम पीरियड के बाद जो है वो एंट्री डिलीट कर देगा। अच्छा ओवरऑल अगर हमने सीडीपी को बंद करना हो तो हमने देखा हम कमांड यूज करते हैं नो सीडीपी रन, अगर हमने उसको इनेबल करना हो तो हम लिखते हैं सीडीपी रन। अगर हमने किसी स्पेसिफिक इंटरफेस पे करना हो तो हम पहले उस इंटरफेस में जाते हैं और उस इंटरफेस में जाके लिखते हैं नो सीडीपी इनेबल। अब अगर हमने उस इंटरफेस पे जो है वो जाके इनेबल करना हो तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे, उस इंटरफेस को जो है वो असेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सीडीपी इनेबल। तो ये देखें सीडीपी जो है वो इस पे इनेबल हो गया। हम यहाँ लिखते हैं शो सीडीपी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। तो इस हमने इस इंटरफेस पे लिखा तो क्या है, कह रहा है कि फास्ट इथरनेट जो है वो अप है, ठीक है, इसका लाइन प्रोटोकॉल अप है और सेंडिंग सीडीपी पैकेट्स एवरी 60 सेकंड और होल्ड टाइम जो है वो उसका 180 सेकंड। ये जो है वो 60 सेकंड 180 सेकंड ये भी हम चेंज कर सकते हैं, ये एडवांस कमांड हो जाती है उसकी, लेकिन इनको जो है वो चेंज करने के लिए, लेकिन ये कमांड जो है वो यहाँ पे रन नहीं होती, ये जो कमांड है वो
उस पे चलती हैं GNS3 पे। तो हम इंशाल्लाह GNS3 पे भी काम करेंगे, जो कमांड्स जो हैं वो यहाँ पे नहीं चलती वो हम GNS3 में जो है वो वर्क करके देखेंगे। अच्छा, ये जो है वो लेयर 2 के लिए था कि अगर जो है वो हमने CDP चलाना है तो ओवरऑल अगर उसको हमने हमने देखा कि चेक करने के लिए अगर हमने ओवरऑल बंद करना है तो हम लिखेंगे नो सीडीपी रन लिखेंगे, क्योंकि ओवरऑल बंद हो जाएगा। और इसको इनेबल करने के लिए हम लिखेंगे CDP रन। अगर हम चाहते हैं कि यार ये स्पेसिफिक इंटरफेस पे बंद हो तो हम उस इंटरफेस में जाएंगे 0/5 और यहाँ पे हम लिखेंगे नो सीडीपी इनेबल। और अगर हमने इसको दोबारा से इनेबल करना हो तो यहाँ पे लिखेंगे CDP इनेबल। अच्छा, ये तो था लेयर 2 का। अब यहाँ पे देख सकते हैं शो CDP नेबर, ये हमें नेबर की जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये एक सिक्योरिटी रिस्क है, ठीक है। इसके जो है वो कोई अनऑथराइज पर्सन जो है वो देख सकता है, हमारे नेटवर्क में देख सकता है कि कौन कौन सी चीज़ लगी हुई है। तो ये जो है वो रियल एनवायरनमेंट में सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम इसको ऑफ ही रखते हैं। ये बाय डिफॉल्ट तो ऑन ही होता है, लेकिन हम इसको जो है वो ऑफ ही रखते हैं, इसको रियल एनवायरनमेंट में यूज ऑन जो है वो नहीं रखते। अच्छा, अब जो है वो हम एक लेयर थ्री का स्विच ले लेते हैं और लेयर 3 के स्विच पे जो है वो देखते हैं, क्योंकि लेयर 3 पे हम LLDP जो है वो रन करके देखेंगे कि LLDP के, क्योंकि हमने CDP जो है वो रन किया है तो सिस्को का था, और हम LLDP करते हैं जो कि एक ओपन स्टैंडर्ड है। तो हम LLDP जो है वो इस पे जो है वो चला के देखते हैं, इनको जो है वो आपस में कनेक्ट कर लेते हैं केबल के साथ। एक और ले लेते हैं, हम 3 जो है वो कनेक्ट करते हैं ताकि हमें इंफॉर्मेशन सही से मिले। इसको भी जो है वो केबल के साथ कनेक्ट करते हैं उनके साथ। ये जो है वो हमने इनको कनेक्ट कर लिया हुआ, ये अब हमारा लेयर 3 का है। अच्छा, ये जो है वो आप हो गई हुई है, इसको लिए लेयर 3 का। इस पे जो है वो हम देखते हैं कि इस पे जो है वो क्या कमांड्स हैं। कमांड्स इस पे वही हैं, इसमें सिर्फ एक ही कमांड्स का फर्क है। हम इनेबल में आएंगे, शो CDP नेबर करेंगे। तो अभी जो है वो उन्होंने नेबर्स की इंफॉर्मेशन अभी सेंड नहीं की, जैसे वो इन्फॉर्मेशन आपस में सेंड करेंगे तो ये हमें जो है वो इनेबल हो जाएगा। सेम तरीकाकार है, कौन वही कमांड है जो हमने अभी यूज़ की है लेयर 2 में, कोई कमांड का फर्क नहीं है, सेम कमांड है सारी। सिर्फ एक कमांड का फर्क है कि वहां पे हम किसी स्पेसिफिक इंटरफेस पे जो है वो CDP को बंद करने के लिए हम यूज करते थे नो CDP इनेबल और CDP इनेबल। यहाँ पे हमने किसी भी स्पेसिफिक इंटरफेस पे जो है वो बंद करने के लिए हम जो कमांड यूज करते हैं, हम करते हैं नो LLDP रिसीव, कि वो रिसीव ना करे, सेंड कर ले लेकिन रिसीव ना करे, ठीक है। अब इस पे जो है वो हमने नो CDP रिसीव का जो है कर दिया है कि इस इंटरफेस पे जो है वो CDP इनेबल नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो है वो दोबारा इनेबल करने के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम LL, यहाँ पे अच्छा एक हमने लिखी है कमांड के नो LLDP रिसीव, कि ये रिसीव ना करे, इसका मतलब ये सेंड कर सकता है। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है, नो LLDP ट्रांसमिट। ये सिर्फ दो कमांड्स है, वहां पे हम एक कमांड्स लगाते थे नो CDP इनेबल और वो बंद हो जाता था, और उसको ऑन करने के लिए हम कहते थे CDP इनेबल और उस इंटरफेस पे जो है वो इनेबल हो जाता था। लेकिन लेयर 3 में क्या होता है, लेयर 3 में जो है वो किसी स्पेसिफिक इंटरफेस पे बंद करने के लिए हम दो कमांड्स लगाते हैं, एक लगाते हैं नो LLDP रिसीव के वो रिसीव ना करे, और एक नो LLDP ट्रांसमिट के वो ट्रांसमिट भी ना करे। अगर हम कोई एक चीज इनेबल करना चाहते हैं कि वो ट्रांसमिट कर सके या रिसीव कर सके तो हम वो भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कर देते हैं LLDP ट्रांसमिट, यहाँ पे हम LLDP
ट्रांसमिट, कि ये ट्रांसमिट कर सके लेकिन रिसीव ना कर सके। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही इनेबल हो तो हम वो भी कर सकते हैं, अगर हम दोनों करना चाहें तो हम दोनों भी कर सकते हैं। बाकी सारी कमांड्स वही हैं जो अभी हमने लेयर टू में लगाई हैं, कोई कमांड जो है वो चेंजिंग नहीं है, जो चेंज थी वो जो है वो हमने देख ली है। अच्छा, लेयर थ्री में शो LLDP, शो करो LLDP, LLDP इज नॉट इनेबल। अच्छा, लेयर टू में हमने देखा था कि CDP जो था वो बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, लेकिन लेयर थ्री में जो LLDP है वो बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं होता, उसको जो है वो ऑन करना पड़ता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे LLDP, हमने LLDP रन किया क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो है वो नहीं होता, CDP जो बाय डिफॉल्ट ऑन होता है लेकिन ये जो है वो ऑफ होता है। अब हम इसको चेक करने शो LLDP, ठीक है, नहीं LLDP जो है वो एक्टिव आ गया। अब हम करेंगे शो LLDP नेबर्स, तो ये टोटल इंट्री डिस्प्लेड जीरो। अभी जो है वो 60 सेकंड का टाइम लेंगे अपनी जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के, उसके बाद जो है वो ये इनेबल हो जाएंगे शो LLDP नेबर्स। अभी वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, उसके बाद जो है वो इनेबल हो जाएंगे। तो हमने देखा कि CDP जो होता है वो बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, LLDP बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। इसके अलावा CDP को हम रन बंद करने के लिए हम लिखते हैं नो CDP रन, और ऑन करने के लिए लिखते हैं CDP रन। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन किसी पोर्ट पे बंद करने के लिए हम लिखते हैं नो CDP इनेबल, और ऑन करने के लिए लिखते हैं CDP इनेबल। लेकिन उसके बरक्स LLDP जो होता है वो बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, इसको ऑन करना पड़ता है, और वो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो है वो बंद करने के लिए हम यूज करते हैं। तो हम लिखते हैं नो LLDP ट्रांसमिट करना है, ट्रांसमिट बंद करनी है तो उसके लिए नो LLDP ट्रांसमिट, अगर रिसीविंग बंद करनी है तो नो LLDP रिसीविंग, तो वो जो है वो हम एक स्पेसिफिक चीज भी बंद कर सकते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक CDP LLDP, ये जो है वो सिक्योरिटी एक पर्पज के लिए, सिक्योरिटी रिस्क का जो है वो एक टॉपिक भी है, ये CCNA सिक्योरिटी में भी बढ़ाया जाता है, ये सिर्फ जो है वो रियल एनवायरनमेंट में ऑफ ही होता है, ये सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क के लिए जो है वो किया जाता है। तो आज जो है वो हमारा जो स्विच था वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो वो हम राउटर पे करेंगे, राउटर की सीरीज जो है वो हम शुरू करेंगे। हम देखेंगे कि CCNA में राउटर की क्या कौन कौन से जो है वो टॉपिक्स हैं वो सारे हम कवर करेंगे।